नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसा आप देख सकते हो महिंद्रा 275 DI प्लस सीरीज है ट्रैक्टर। मैं आपको इसकी वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहना। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करना, प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कुछ कमी भी रहे तो भी लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, साइड में जो बटन दिया हुआ है और ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हमारे दो सब्सक्राइबर है जिन्होंने सबसे अच्छा हमारे वीडियो पर कमेंट किया, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनका नाम है सोनू और एक का नाम है मिंकू, ठीक है ना। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। तो मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ ट्रैक्टर के अंदर क्या मिलता है। ये पावर स्टेरिंग नॉन पावर स्टेरिंग दोनों मिल जाएगा, 600 टायर मिलते हैं ट्रैक्टर के अंदर। और आगे का शेप कुछ इस तरह का मिलता है इसमें, जो पहले एक्स की मॉडल में आता था 575। और दो डीजल फिल्टर मिल जाते हैं इसमें, सेल्फ स्टार्ट मोटर मिल जाते हैं 2.5 किलोवाट की। ये देख सकते हो महिंद्रा 575, महिंद्रा 275 DI प्लस। 6 साल की वारंटी मिलती है ट्रैक्टर के अंदर, भूमिपुत्र सीरीज में आता है ट्रैक्टर। और इसका आप फुट पायदान दे रखा कितना छोड़ा, 1388 टायर मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर। ये देख सकते हो आप, यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और MKM सीरीज में आता है भी ट्रैक्टर, ठीक है। और ये भी ट्रैक्टर आपको डुअल प्लेस में अवेलेबल हो जाएगा। 2500 आपको दिखा रखा है ट्रैक्टर के, जबकि 2000 ही मिलते हैं इस ट्रैक्टर में। और इसमें महिंद्रा का मोबाइल चार्जर बॉक्स मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको मिलते हैं 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। हाई लो गियर साइड में मिल जाएगा, छोटा सा लीवर है ये। और इस ट्रैक्टर में PTO का गियर बॉक्स इधर मिल जाता है। इसमें 6 स्पीड का PTO पावर मिलता है। ट्रैक्टर का वेट जो मिलता है 1800 किलो के लगभग का मिलेगा, 1790 किलो वजन है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर की जो डीजल खपत है वो बिल्कुल कट है। मैं आपको बताता हूँ इसकी डीजल की खपत कितनी है, 4 लीटर मैक्सिमम लेगा, ठीक है ना। और 2340 CC के लगभग का इसका इंजन की CC है, ठीक है ना। और इधर आप देख सकते हो इंडिकेशन, पार्किंग लाइट में हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं, ठीक है ना। पीछे टायर जो उसमें दिखा रखे हैं, ये दिखा रखे हैं इसमें गुड़िया के टायर है पीछे के, और ये भी गुड़िया के टायर मिलते हैं। आइए थोड़ा पीछे चल लेते हैं, थोड़ा सा पीछे दिखाते हैं मैं आपको ट्रैक्टर को। इधर आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर के अंदर, इसमें आपको हीच वीच लगवाना पड़ेगा, कोई कंपनी फिटेड हीच नहीं मिलता इसमें लगा हुआ। 1500 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी ट्रैक्टर की। और इसमें 34.4 HP मिलती है PTO पावर, और 24.9 की मिलती है किलोवाट में, 33.4 की मिलती है HP में PTO की। इंडिपेंडेंट इसमें हैंड ब्रेक मिल जाता है इधर, ठीक है ना। मैं आपको और इधर से दिखा देता हूँ, ऑयल लिमिटेड डिस्क ब्रेक मिल जाता है इसमें, ड्राइव में मिल जाता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 400 mm का, ठीक है ना। और इसका रेटेड RPM मैंने बता दिया आपको, 2000 rated RPM निकलते हैं ट्रैक्टर के, ठीक है ना। और सर PCTC का लीवर इधर की तरफ मिल जाता है इसमें, देख सकते हो ऑरेंज ब्लैक कलर में। और इसमें टूल बॉक्स इधर मिल जाता है जो फाइबर का मिलता है इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। और इधर आप देख सकते हो, इधर इसमें एमरोन की बैटरी मिल जाती है, देख सकते हो, जो कि 88 एम्पियर में आती है। इधर आप देख सकते हो इसमें एक इधर इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है, और प्लस इधर इसमें डायनोमो मिल जाएगा। डबल क्लिच में अगर इसमें पावर स्टेरिंग लोगे तो इसमें डबल पंप का मिलेगा मोटर, जिसमें सिंगल का है। और इसमें ऑयल बाथ का एयर क्लीनर मिल जाता है इधर, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और जिसकी जो लाइट मिलती है क्रोम में मिलती है, आप देख सकते हो, जंग वगैरह इसमें कुछ नहीं आएगा, जो कि बहुत ही यूनिक लगती है, ठीक है। और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 2340 CC के लगभग का है, बाहर से देख सकते हो कैसा लुक है इस ट्रैक्टर का। और इधर नंबर प्लेट के लिए इसमें 6 दाते हैं, इसमें कंपनी फिटेड, आपको अलग से कोई कराने कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ट्रैक्टर काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छे लुक के साथ बनाया गया है। ट्रैक्टर का जो वेट और सब कुछ जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो सारी बेहतरीन रखी गई है। और 1900 mm का इसमें लेंथ मिल जाती है ट्रैक्टर की, ठीक है ना। और जो सीट मिल जाती है इसमें डिलक्स टाइप मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। और इसका जो मरगार्ड है, काफ़ी स्पेस है, आप अलग से पैसेंजर को किसी को बैठा कर ले जा सकते हो, फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी स्पेस है, देख सकते हो दोनों सीट के बराबर में। और सीट एडजस्टेबल मिलती है इस ट्रैक्टर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल कर सकते हो, ठीक है। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैंने जब बताया हैंड ब्रेक ऐसा इंडिपेंडेंट मिल जाता है उधर, देख सकते हो कि मैं आपको लगा करके भी दिखा देता हूँ। लिफ्टिंग कैपेसिटी 1500 किलो की है इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये इसका हैंड ब्रेक लग गया ट्रैक्टर का, ठीक है। और इसमें एक रिफ्लेक्टिंग लाइट मिल जाती है, और वाटर के लिए वाटर बॉटल रखने के लिए इसमें कोई भी
हैंडल नहीं दिखा रखा जिसमें पानी की बोतल हम रख सकते हैं, ठीक है। और ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में देना। और इसमें देख सकते हो नंबर प्लेट पीछे लगाने के लिए इसमें भी यहाँ दो छेद मिल जाते हैं, प्लस इधर इसमें बोल्ट भी कंपनी फिट हुआ हुआ है, सिर्फ आपको बाहर से खींचना पड़ेगा। और इसमें जो इधर देखा रखा है इसमें जो पीछे का मिरर है देखने के लिए साइड मिरर, वो भी काफ़ी बड़ा काफ़ी शानदार है, ठीक है। महिंद्रा के ट्रैक्टर में इस चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती। और स्पेस देख सकते हो कितना शानदार है, कितने छोटे पायदान के साथ ट्रैक्टर मिल जाता है अपने को, ठीक है। और ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो कैसी लगी भी कमेंट में जरूर बता के देना। और उस ट्रैक्टर में कोई भी आपको कुछ समस्या हो किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में बता दूँगा। तो मैं आप देख सकते हो, तो इसमें देख सकते हो इसमें कितना शानदार हैंड ब्रेक वगैरह भी सब कुछ चीज़ फिट मिलती है, आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल क्लिक सिंगल क्लिक में दोनों में ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक्टर। कुछ जानकारी और मैंने आपको इसके बारे में जो भी जानकारी थी बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दी। इसमें डीजल टैंक जो मिल जाता है लगभग 45 लीटर का यहीं मिल जाएगा, इसमें लोकेबल है इधर, ठीक है ना। और इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो और डाल लूँगा मैं, जिसमें मेहता अंकल है जो इस एजेंसी के ओनर है, वे कह रहे हैं कि इसकी एक वीडियो मेरी बनवाना, ठीक है ना, वो उनकी साथ ही बनाएंगे। और हाँ, गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, इसमें वाटर होल्डर इसके पीछे मिल जाते हैं जो चमकने देती है, यहाँ बोटल रख सकते हो। और अगर कोई पीछे इंप्लीमेंट जोड़ते हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो आप इस स्विच से दे सकते हो, इधर से देना पड़ेगा इसमें, ये चमकने देती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये चीज़ छूट गई थी जो कि मुझे दिख गई, ठीक है ना। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया, और टायरों के बारे में मैंने बता दिया आपको, ट्रैक्टर का वेट भी बता दिया मैंने, और उसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग मिलता है ये वाला, और उसमें पावर स्टीयरिंग चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है ना। तो आपको जौन सा पसंद आता हो जैसा पसंद आता हो आप कमेंट में जाकर के मेरे से पूछ लेना, मैं आपको उसकी पूरी वीडियो बता दूंगा। नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ बिल्कुल अभी है, इसीलिए ट्रैक्टर का तो थोड़ा स्वागत इस जगह कर रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप देख सकते हो इस फ्रेम में ट्रैक्टर जब भी लोग खड़ा होता है जो कि नया लॉन्च होता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो डिटेल में वीडियो होती है उस दी जाती है, कोई भी जानकारी होती है तो इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा। इसमें लगभग वेट मिल जाता है जो कि इस ट्रैक्टर को बैलेंस रखता है, काफ़ी भारी भरकम वेट आता है, ठीक है ना। 39 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, वैसे ही 37 HP आता है कागजों के अंदर। तो आपको ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट में जो मुझे ज़रूर बता करके जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना लगी हो प्लीज़ तो भी लाइक कर देना छोटा भाई समझ करके प्लीज़। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब किया हुआ तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना और अपनी फैमिली का हिस्सा बने रहना ऐसे ही, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। और अगर कुछ भी कमी दिखाई देती है तो आप के लिए कमेंट बॉक्स खुला, प्लीज़ कमेंट जा कर रख सकते हो, मैं आपको उसके बारे में अच्छी से अच्छी डिटेल में वीडियो बना करके दूंगा। और कोई भी गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थैंक यू।